हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इस इंतजार में होंगे कि सर कब सॉल्यूशन दें। तो इससे पहले कि सॉल्यूशन की बात करें, तो मुझे पता है कई लोग निराश हैं और पेडागोजी और उसमें तो जिस तरीके का पेपर आया जीके रीजनिंग में, वो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। और आपने देखा कि तीन तीन यूनिट, चार चार यूनिट में से छुआ ही नहीं बिल्कुल पेडागोजी में, और कुछ अलग तरीके क्वेश्चन डिजाइन कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी लेवल की किताब या नेट लेवल की किताब उठा के उसमें से क्वेश्चन दे दिए गए हों। जो भी है फिलहाल, और सबने अपना अपना किया, तो सभी ज्यादातर लोग निराश हैं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आपकी मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सब्जेक्ट में आप अच्छा करके आए हैं, इंग्लिश में बस एक खुशी यह है कि जो इंग्लिश वाले हैं वो जान लें कि इंग्लिश में मेरे बताए हुए एक दो नहीं, 100 के 100 जो है परसेंट पेपर वैसा ही आया है। और जो हम आम तौर पे रोज यहाँ डिस्कस किया करते थे, और कई बार मैंने डाला भी यूट्यूब में, तो उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं। यूट्यूब में कई लोग मुझे कमेंट करते थे, सर ये आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ा रहे हो। तो उन्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा था, ये नेचर है पेपर का इंग्लिश के, और हम उसे समझते हैं और वो चीज़ सारी आई हुई है जैसी मैं क्वेश्चन करा रहा था। जो लोग मेरे पास बहुत नए आए थे पहली बार पढ़ने में इंग्लिश में, उनको भी ये रियलाइज हो गया होगा कि इंग्लिश में कहीं पर बाहर पेपर नहीं जा सकता और सारी चीजें वही आएंगी, ठीक है, और वो आई थी। तो ये खुशखबरी की बात है कि ज्यादातर लोगों ने 45 46 50 में से सही किया इंग्लिश में, तो ये उनको बूस्टअप करेगा। उधर मेरिट कितनी जाएगी क्या जाएगी उसको मैं पेपर के लास्ट में करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पेपर करते हैं, पेपर को जल्दी जल्दी करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है और वो हम करते रहेंगे बाद में। हाँ एक चीज जरूर कहता हूँ कि 4 5 क्वेश्चन का स्कोप हमेशा होता है कि वो UKSSC वाले, UKSSS वाले किस तरीके से सोच रहे हैं, उन्होंने कहाँ से दिया है, हमने क्या किया या किस तरीके से, लेकिन हमारे 99% आंसर सही होंगे, 98 99%। अगर एक दो का कोई स्कोप ऐसा होगा तो वो बाद में आप जो है देख सकते हैं जो ऑफिशियल आंसर की है उससे, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर की ओर, और कल रीजनिंग का हम एक वीडियो भी डालेंगे जिसमें सर उसको सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। तो चलिए चलते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। और मेरे पास जो सीरीज है वो बुकलेट सीरीज है ए, तो आप ए वाले जो है इससे मिला सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से समझें। इस पेपर में मैं जो है जितने भी बताऊंगा वो मैं और मेरे टीचर्स ने सॉल्व किए हैं, और इसमें हर एक पेपर में 4 से 5 का स्कोप होता ही है ऊपर नीचे का, और जहाँ कन्फ्यूजन होगा मैं साफ तौर पर कह दूंगा ये कन्फ्यूज है, फिर भी आपको 99% क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। तो एकेडमिक एप्टीट्यूड में चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं करेंगे। तो पहले ही का जो है इसमें वो डायरेक्ट रिटर्न है, और इसमें जो है दूसरा अगर क्वेश्चन आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं आश्रम स्कूल्स, ये वाला जो है वो बी इसका आंसर सही है अनुसूचित जनजाति के लिए। थर्ड में आते हैं कि कौन सा, वेन नो जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती तो इसे सीखने का पठार कहते हैं, इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता। तो थर्ड के भी हम सी कहते हैं, प्रोवाइडिंग ए ब्रेक ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग। उसके बाद चौथे में आते हैं, चौथे का आंसर है आपका राइट RT के हिसाब से, द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन इज गिवन टू। तो इसमें जो है अ चाइल्ड हैविंग मल्टीपल और सीवियर डिसेबिलिटीज है, और इसमें हम थोड़ा स्कोप ये भी रखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, बट अभी भी हमें ये लगता है कि 98% यही है, ठीक है। पांचवा है प्रशस्त के बारे में, ये एक एंड्रॉयड ऐप है और ये तो सीधे सीधे एक आसान क्वेश्चन है, ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए बेसिकली ये ऐप है, और इसको CIET ने पूरा बनवाया है और CIET इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये पूरा CIET के द्वारा ही बनाया गया, तो ये डैम श्योर क्वेश्चन है। छठे का जो है अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर भी लोग अलग अलग ओपिनियन के हो सकते हैं,
बट हमें मोर मोस्ट स्टेप सिक्स का सी लगता है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ में आते हैं, सेवन्थ में रीजनिंग और एसर्शन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें हमें मोस्ट एप्ट बी लगता है, ठीक है। और आठवां अगर हम आए तो आठवें का हमें जो सही बिल्कुल उत्तर लगता है इसमें वो है एट्थ का ए, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे क्योंकि इसमें अगर हम सेकंड अगर हम देखें तो फर्स्ट का ये हो रहा है और सेकंड का फर्स्ट हो रहा है और थर्ड का फोर्थ हो रहा है चौथे का आप जो बचा है आपका थर्ड एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से ये आ रहा है। और नाइन्थ का फिर से स्टेटमेंट वाला है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आपको पता ही है कि ये, तो ये वाला भी हम सी में जाते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू विद स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज। ये बहुत इजी है, 1968 की पॉलिसी थी और आपको पता है 10+2+3 वाला था, मैंने खुद ये टॉपिक डील किया था बच्चों के साथ। द एम्प्टी वेसल मेटाफर, कई लोग इसे कुछ कह रहे हैं, कई लोग इसे कुछ कह रहे हैं, पर हम मुझे लगता है कि इट फिलिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद न्यू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन के लेवल पे, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कुछ लोग इसको बी भी कह रहे हैं, तो ये एक डाइसी सा क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख लें, बट मुझे लगता है ये फिलिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट विद न्यू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इफ ए टीचर अनाउंसेस इन द क्लासरूम दैट टुडे आई विल टीच, ये टीचर का ऑथोरिटेटिव स्टाइल बताता है, अधिकारात्मक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ गिलफोर्ड्स ट्राई डायमेंशनल मॉडल, तो इसमें तो आपके हिसाब से बात है, ऑपरेशन उसका एक मॉडल था, कंटेंट भी था, प्रोडक्ट्स था, सीधे सीधे सिमेंटिक है जो नहीं था, यहाँ पर नॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डैम श्योर क्वेश्चन है। उसके बाद 14th में आते हैं, फॉर रियलाइजेशन ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, तो इसका हम सी पे जाएंगे, ठीक है, जागरूकता विकसित करने के लिए, अवेयरनेस के लिए। 15वें में जाएंगे, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इनएक्टिव इन योर क्लास व्हाट विल यू डू, तो 15वां ठीक उस तरीके का लेवल का क्वेश्चन है जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड सीईटी यूटेट वगैरह में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं इस बार, लेकिन ये उतना जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस है तो आप और चीज़ें भी दे सकते थे। तो 15वें में हम जाएंगे सी वाले में, मेक योर लेक्चर सिंपल बाई डिवाइडिंग इट इंटू पार्ट्स, ये बहुत आसान है, ज्यादातर लोगों का सही होगा। और 16वां जो है, 16वें का, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर, अब आते हैं कौन सा करेक्ट है। देखियो जेंडर एक सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, सही है, जेंडर वेरिएबल होता है, टाइम और कल्चर का पूरा होता है, कुकिंग और बॉक्सिंग एक्टिविटीज भी इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन जेंडर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बुक इज ऑथर्ड बाई गिजुबाई बदे का, ये तो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दिवा स्वप्न, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मैच द लिस्ट, तो मैच लिस्ट में आपका जो है वो मोस्ट ऐप जो सबसे बढ़िया मैचिंग है वो टी वाला बनता है, ठीक है, ए का 4 और बी का 1 और सी का 2 और डी का आपका बेटा डेनियल लुइस डेविस, तो ये भी सही है बिल्कुल। 19 का आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर जो बेस्ट है इसमें आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस में से ये बी है, संस्कृत तमिल एंड कन्नड़, बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीन और हैं, 6 लैंग्वेज है ना, संस्कृत मैं बता देता हूँ, संस्कृत तमिल और कन्नड़ तो यहाँ दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा तेलुगु मलयालम उड़िया भी है, तेलुगु मलयालम और उड़िया, तो 6 हैं टोटल, इसमें से यही सबसे अच्छा है जो पूरा बता रहा है, ठीक है। बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ उर्दू हिंदी आ जा रही है, यहाँ उड़िया तो आ रही है लेकिन मराठी आ जा रही है, यहाँ संस्कृत आ रही है, मणिपुरी और पंजाबी आ रही है, तो बी वाला एक्ट है। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पजेस फॉलोइंग क्वालिटीज, ठीक है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन फिर भी हम इसमें अगर बात सीधे सीधे करें तो ये सीधे सीधे सी वाला मिलता है, ए बी एंड सी जिसमें हूँ। साउंड पॉलिटिकल बेस बिल्कुल नहीं है, कई लोगों ने ये भी सही कर दिया है, तो पॉलिटिकल होना जरूरी नहीं टीचर को और पॉलिटिकल बेस होना,
अब आजकल के जमाने के हिसाब से लोग सोचते हैं यार पॉलिटिकल बेस हो तो शायद सिलेक्शन हो जाए, तो ये इस वजह से भी कई लोगों ने सोच के हिसाब से लिख दिया, बट ये तीन ही है इसके लिए। ठीक है, 21वें में आते हैं। 21वें का हम जा रहे हैं कि डी है, चाइल्ड हैज लर्न समथिंग, और 22वें का है ए। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन सही बैठता 22वें में, और 23वें का जो कॉम्बिनेशन बैठता है इस 22 तक ही है इसमें, 23वें के लिए अगले में जाना पड़ेगा। तेईसवें में है द स्पेसिफिक एम ऑफ सीआईईटी के बारे में। सीआईईटी के अभी हम बात भी कर रहे थे, तो सीआईईटी का जो सबसे बढ़िया रोल डिफाइन करता है बेसिकली वो हमारा बी वाला है सेक्शन बी, यानी कि ये बी एक्ट एज ए नोडल सेंटर फॉर वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन, और सी है बिल्ड कैपेसिटी ऑफ एजुकेटर्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद 24वें में आ जाते हैं, जॉन एडम्स के बारे में कौन नहीं जानता। जॉन एडम्स ने एजुकेशन ये कहा था कि एजुकेशन इज द डायनामिक साइड्स ऑफ द फिलोसफी। उसके अलावा द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव ने जिसने पढ़ा होगा, हमारे वहाँ मैंने ही पढ़ाया था, तो जानता है ऑल चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड इक्वली विथ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। इसमें किसी विकलांग को ये बिल्कुल नहीं दिखाना होता कि यू आर डिफरेंट और यू आर यूनिक, सबको ये दिखाना होता है कि यू ऑल आर इक्वल टुगेदर। 26वें की बात करें तो कौन सा मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग। तो अधिगम की सबसे अच्छी ऑडियो विजुअल को माना जाता है। ठीक है, और ये सी हो गया। 27वें का पेडागोजिकल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज इट इनेबल्स हिम और हर। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बढ़िया ये 27वें का सी लगता है, ए एंड बी। एक तो इफेक्टिवली लेसन प्लानिंग कर लेता है और दूसरा क्लास को मैनेज प्रॉपर कर लेता है। एजुकेशनल एक्सकर्शन का कोई पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है और पेरेंट टीचर एसोसिएशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ए और बी सही बनता है, तो ये 27वें का सी आता है। 28वें की बात करें, हु इज एसोसिएटेड विद मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये बहुत आसान है, सीधे सीधे आने वाला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एडगर डेन। ठीक है, 29वें की बात करते हैं हम, एनसीईआरटी असिस्टेंट एडवाइज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑन विच लेवल। तो आप सब एनसीईआरटी को जानते हैं कि स्कूल लेवल एजुकेशन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म, तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर से हमारे पास कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत आए इस बार, तो कॉम्बिनेशन में हमारा जो बनता है वो सी बनता है, सी एंड डी, यानी कि सोशलिज्म फेवर्स द कैपिटलिज्म। इसमें कह रहा है कि आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, तो आप जानते हैं कैपिटलिज्म को सोशलिज्म फेवर नहीं करता, और डी है कंपटीशन हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोशलिज्म, वो नहीं होता, वो ज्यादातर कैपिटलिज्म में होता है कंपटीशन, तो ये दो नहीं है, तो ये दो बिल्कुल सही है, इसलिए सी एंड डी। इसलिए आते हैं अब आ गए हम रीजनिंग में, पार्ट वन भी। इसमें सर ने सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करके निकाले हैं और वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सब सही है, और कल हमारे जो सर हैं वो इसका एक सॉल्यूशन लेते हुए एक वीडियो भी डालेंगे, उस वीडियो को मैं आपसे शेयर करूंगा, इसमें इनको सॉल्व करके दिखाया गया होगा। फिलहाल मैं आपको फटाफट ये बता रहा हूँ इनके आंसर। तो 31 का सर जो निकाला गया है सी है, और 32 का जो निकाला है वो सी है, और 33 का जो निकाला है वो बी है। कहीं भी कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, तो उसमें कोई वो नहीं है, इंसान है, कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि एक वो है ना कि जल्दी भी देना है आपको सारा क्वेश्चन पेपर, तो मेरी ओर से एक प्रेशर भी था कि आप इसे जल्दी से फिनिश कीजिए। 34वें का जो है 456 बताया गया है। ठीक है, 35वें का बी बताया गया है, तो फिर से इसमें जो है जीके वाले सर का भी यही कहना था कि बहुत अजीब सा पेपर इन्होंने डिसाइड किया। और 35वें की अगर बात करें तो सॉरी, 34वें का सी मैंने बता दिया है और 33वें का मैंने बी बताया। ठीक है, 35वें का हमने बता दिया है आपको बी। ओके, अब आते हैं 36वें में, 36 में 36 का सी है, और 37वें में अगर हम आएंगे तो 37वें का गीत गोविंद, तुम्हें पता है ये कालिदास की रचना नहीं थी, और गीत गोविंद किसकी थी बताओ, किसी को पता है, जयदेव की थी, याद है।
जयदेव की, 12th सेंचुरी का हिंदू पोएट था, तो ये तो आपको आता होगा, ये मुझे भी आता है आराम से। 38 का जो है सी वाला बताया गया है, सही है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2। और 39 पे आ जाएं तो 39 पे डी वाला बताया गया, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 40 का सी बताया गया है, 11:1:8। 41 का बी बताया गया है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल तरुण कुमाऊं, किसने प्रकाशित किया। एंड 42 का सी बताया गया है, 32, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड वाला। और 43 का आपका डी बताया गया है, 2, 3 एंड 4, यानी कि 2, 3 एंड 4, चूज विच मैच, चूज द करेक्टली मैच पेयर्स, टू सही है कह रहे हैं, 3 सही है और 4 सही है। और 44 का आपके लिए जो है आंसर वो है सी, फिर से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। यहाँ पर आप एक गौर से देखिए कि मैंने जब अपने सब लोगों को बताया था तो मैंने कहा था मैं सी को प्रिफर करता हूँ। अगर किसी ने बहुत ज्यादा ब्लाइंड मारे हैं और सी मारे हैं तो आज उसके लिए खुशखबरी यह है कि सी बहुत सारे आंसर है, ठीक है। 45 का द एजेस ऑफ 5 पर्सन इज इन रेशियो वाला जो है, ये रेशियो में दे दिया था, इससे पहले सिंपल बना के करते हैं सॉल्व, तो इसका 45 का ए है, 5 ईयर्स, ठीक है। फिर 46 में आते हैं, 46 का बी दिया गया है, रिटायर्ड रंजना प्रकाश देवी देसाई, ठीक है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी इन उत्तराखंड, 46 का बी। 47 PQRSA वाला बेस जो क्वेश्चन है, 47 का सी बताया गया है। और 48 सदावृत वर्ल्ड इन उत्तराखंड आर एसोसिएटेड विथ विच टेम्पल्स, ठीक है, 48 का डी बताया गया है, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। 49 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 49 का बी बताया जा रहा है, कल सॉल्व करके दिखाया जाएगा तो आप देख लीजिएगा। 50 का सी बताया जा रहा है, हेनरी रैमजे। और 51 का बी बताया जा रहा है। अब 51 से तो हमारा अपना कोर्स आ गया, तो 51 से तो आप लगाते रहिए, 51 बहुत आसान है, ठीक है। उल्टा कनेक्शन है सीधे जॉन डन एलेक्सेंडर पोल, तुम्हें पता है कि ये तो हम सीधे सीधे समझा देंगे, 1572 में डन का है, ठीक है, तुम्हें पता ही है। अलेक्जेंडर पोप में आ जाए तो 1688 है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग में आ जाए 1812 है, और इलियट में आ जाए 1888, तो कोई स्कोप ही नहीं है गलती का। 52 में अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स, ये तो चुन चुन के हमारे जो बच्चों से हमने डिस्कस किए सब आ गए, तो ये 52 का सी है भाई, आर के नारायण। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, ये तो रटते रटते बच्चे पागल हो गए होंगे, सेम, ठीक है, पोप आ गया है। 54 की बात करें, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाई, तो विलियम जेम्स है जिन्होंने अपनी जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, मुनीस एज वेल एज यू। अब तुम्हें पता है एज वेल एज में जब भी कोई आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेस होता है, मुनीस है तो अब होगा इज या वॉज, अब लोग इसमें फंस गए इज या वॉज। देखिए फॉल्ट हमेशा पास्ट होता है, तो फॉल्ट पास्ट होता है तो यहाँ वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर लाना है, इज या वॉज में से एक ले सकते हैं, तो मुनीस एज वेल एज यू वॉज एट फॉल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू चार्ल्स डिकेंस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर माने तो मुझे तो लगता है, देखो लूजनेस तो थी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये तो पक्का था। ई एम फोस्टर द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म भी पूरा था, रिफॉर्मेशन के बारे में तो इतना है, ह्यूमर पैथूस भी उसके में आता है, ग्रोटेस्क भी, तो जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर अगर मैं बहुत ज्यादा इसको देखूं कि ईएम फोस्टर वाले पे मुझे शक है कि ईएम फोस्टर हैज फाउंड इन डिकेंस नॉवेल्स मोर लिटरेरी मेरिट देन मॉरली, ठीक है, तो ये मुझे लगता है, तो मैं सी पे जाऊंगा। हालांकि कुछ लोग इसे ग्रोटेस्क पे भी अटका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक शक होता है कि ह्यूमर और पैथोस तो जम के था चार्ल्स डिकेंस में, ठीक है, उसमें पाया जाता है। लूजनेस ये तो 100% श्योर है, ये भी 100% श्योर है, तुम्हें पता है कि लॉ रिफॉर्म्स और इस पे भी, और वो तो एज ऑफ रिफॉर्मेशन ही थी, तो इन दो पे है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट वाला, जाने क्यों मुझे लगता है सी होगा, क्योंकि
ठीक है, अगर ये सही निकला तो ठीक है, और नहीं निकला तो भाई वहां से करेक्ट करना, ठीक है। 57, 57 का ए, कोनोसिया में बताते बताते थक गया हूँ सबको, ये बहुत आसान है, ठीक है। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, कोनोसिया, ठीक है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज थाई म्यूजिक, तो बहुत आसान है, ठीक है, कितनी बार पढ़ा होगा। 58 का हम सी जाएंगे, टू ऑटम, और टू ऑटम, द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स, ये तो जाने कितनी बार आपने किया है, डॉक्टर जॉनसन है, ठीक है। उसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, इम्प्लिसिट का ऑपोजिट होगा आपका ये 60, यस डी आएगा, डेफिनेट, ठीक है। 61, महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस बाई, ये भी आपको पता, रस्किन की, जॉन रस्किन की एंड टू दिस लव। 62 बी आएगा, ठीक है, वन एंड टू, ठीक है। दुखी पंडित के घर जाता है ये डॉटर के, उसके लिए ऑस्पिशियस डेट के लिए, और जूरिया जो है नाम, दुखी की वाइफ का नाम होता ही होता है। घासीराम काइंड हार्टेड पर्सन होता तो कहानी पलट जाती, और दुखी बर्निंग पीस ऑफ वुड से नहीं मरा, आपको पता है वो पूरा एग्जॉशन धूप और उसमें लकड़ी काटते काटते तो उसकी मौत हो गई थी। द करेक्टर फीस्ट डे, ये मैं अपनी क्लास में कितनी बार बच्चों से पूछता रहता था, और वो आ ही गया देखे सीधे सीधे, और ये 12th नाइट आपका हो गया डी। 64 का ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि नेचर मेथडाइज जहाँ की बात होगी और ये सब, तो आपका सीधे सीधे 64 का आपका सी हो गया, नियो क्लासिकल एज, ठीक है, पोप वाली एज है। फिर आते हैं विच सोनेट बाय मिल्टन एज, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपने यूट्यूब में जो सोनेट नाम की चीज समझाई है और जो बच्चों को भी समझाया, या जो मैंने लाइव क्लास का डायरेक्ट डाला, उसमें मैंने यही सोनेट उठाई है मिल्टोनिक सोनेट को समझाने में, तो ये बिल्कुल वही आएगी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सिविल वॉर में, ठीक है, सेम सोनेट मैंने उठाई है, आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये आसान था, जिसने जरा सा भी पढ़ा है तो बहुत आसानी से इसको कर लेगा, कि बी है मैरियाना जो है टेनिसन की थी, 1830 में लिखी थी टेनिसन ने, और ये उसकी चीफली लिरिकल में पब्लिश हुई थी, ये आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो मैरियाना जो है ऐसी है, जो नॉट ए वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, 66 का बी हो गया। 67 का रिफॉर्मेशन, यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने तो साफ साफ बताया कि रिफॉर्मेशन कोई सामाजिक सुधार से ज्यादा, लोग सोचते हैं सामाजिक सुधार, रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट है भाई, पूरी तरीके से रिलीजियस मूवमेंट है। आपको याद होगा कि रिफॉर्मेशन जब हम कहते हैं तो उस समय प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ था और कैथोलिक्स के समकक्ष एक नया चर्च भी आया था, तो रिफॉर्मेशन इज टोटली प्रिडोमिनेंटली इन ए मूवमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। कई लोग जो इसको बेस से नहीं समझते वो इसको गलत ही कराते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाई अमिताभ घोष, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि अमिताभ घोष की सारी किताबें आपको पता रहती हैं। तो इसमें द बुक ऑफ हंटर नहीं है, और बुक ऑफ हंटर जो है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी की है, ठीक है। ये बेसिकली उसने मेडिवल पोएट है कैबी कैनकन जो है मुकुंदरम था उस पर लिखी थी, तो ये अमिताभ घोष की है, बाकी सब तो नॉट वाली द बुक ऑफ हंटर है, 68 का डी। 69, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट अगर चुनना है तो बिल्कुल सीधे हम जाएंगे 69 के बी पे, यू विल बी प्रमोटेड इफ यू कैन मैनेज वन मोर फेवरेबल रिपोर्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि आप, वो श्योर है कि जस्ट एक फेवरेबल रिपोर्ट दो और तुम प्रमोट हो जाओगे, लेकिन ये जो है हाइपोथेटिकल है, वुड हैव वुड हैव वुड हैव, श्योर वाला एक ही है तो ये है, इसमें कोई इशू नहीं है, सेम मीनिंग आनी चाहिए। 17, स्पॉट द एरर, बहुत आसान है, 70 का आपका आ जाएगा बी, आई हैव गॉट नो मनी, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं नन ऑफ द अबव, वो कहेंगे आई हैवंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट गॉट एनी मनी भी एक केस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आई हैव गॉट नो मनी से भी काम चलता है, कई बार ये भी कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से आई हैव गॉट नो मनी करेक्ट हो सकता है, तो इसको हम लेकिन श्योर वाले में नहीं रखते हैं, वहां पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिसने किया है वो अभी होप रख सकता है। द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, बिल्कुल आसान, 1833,
71 का। 72 भी थोड़ा सा डाइसी सा है, लेकिन अगर बहुत इन्होंने वो किया है इसमें, अगर हम करें 72 का तो देखें, अगर ग्रीक हीरो तो है यहाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इसे माना जाता है, लेकिन ये पब्लिश 1848 में नहीं हो रहा है, 1842 में हो रहा है, यहाँ ये गड़बड़ कर दे रहा है। पोयम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है 100%, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, ब्लैंक वर्स में भी लिखी गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो तीसरा ऑप्शन कहीं आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब ओनली टू को हम रिजेक्ट ही कर देंगे, वो 1842 था। 1, 2 एंड 4 को अगर हम लेंगे तो 2 वाला गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 2 मिस्टेक दे रहा है। ठीक है, केवल 2 एंड 4 को लेंगे तो ये सही हो सकता है, लेकिन 2 वाला गड़बड़ कर रहा है। अगर हम ओनली 4 को लेंगे तो ये सही लग रहा है बिल्कुल हर ओर से, तो मैं तो इसमें डी में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अगर वहां 1842 नहीं होता, 1848 होता तो 1842 होता तो वो बिल्कुल सही होता 2 वाला, लेकिन फिर भी 3 कहीं नहीं लाया गया, जबकि 3 भी सही है, पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स है। ठीक है, तो अब 3 सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहीं 3 का ऑप्शन ए बी सी डी में दिखाई नहीं रहा है, सो दिस इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग। तो आप इसमें अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैं इसको ओनली 4 पे जाता हूँ, वहां देखा जाएगा जब ऑफिशियल की आएगी कि क्या है। 73, 73 पे सीधे सीधे डी है। ठीक है, डी लग रहा है, डी आंसर हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। 74, ये तो इतनी फेमस लाइन है, मैंने इतनी बार वैसे डिस्कशन में ही बच्चों से पूछ लिया, तो वेयर यूथ डाइज, यहाँ पर वो कहता भी है ना वेयर पोल्ट्री, तो वो जब यहाँ के यूथ पीले पड़ जाते हैं, अपने भाई का भी वो एक लाता है इसमें कंसर्न, तो कहते हैं, तो ये ओड टू नाइटिंगेल में तो उसके भाई का कंसर्न आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है 74। और 75 का जो है, स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, तो ये 75 का आपका होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफी घुमा रखा है, तो ये मेरे हिसाब से तो बी होगा। ठीक है, 75 का बी, इररिफ्यूटेबल। ठीक है, और 76 जो है, विच ऑफ द गिवन शेक्सपियरियन हीरो इज अ मूर, ये तो मूर ऑफ वेनिस तुम्हें पता ही है। 76 का आपका कौन सा बनता है, ए। ठीक है, और उसके बाद आते हैं 76 के बाद 77, द एज ऑफ रिस्टोरेशन, मोनार्की रिस्टोर हुई थी, चार्ल्स सेकेंड आया था, सीधे खत्म। ठीक है, 78, किसने कहा था, गॉर्डिनेट एंड इनेन फ्रेजियोलॉजी ऑफ मेनी मॉडर्न राइटर्स इन राइटिंग इस पोएम इन सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ, अब रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन तुम्हें पता ही है, किसने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जब उसने सीधे रोमांटिक पोएट कह दिया। ठीक है, और रोमांटिक पोएट में ये वाली बात वर्ड्सवर्थ की थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक्स द अमेरिकन स्कॉलर एंड द डिविनिटी स्कूल एड्रेसेस, बहुत आसान है, ये आपके ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे इतने बड़े, और ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते ही आपको नाम याद आ गया होगा, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। ठीक है, 80 में आएंगे, और इसमें जो है, जब ये कहते हैं, विच पोएम बाई डब्ल्यू बी येट्स वॉज बोर्न आउट ऑफ पोइट्स कन्विक्शन दैट द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन वॉज नियरिंग द एंड ऑफ इट्स अलॉटेड स्पैन, तो आप सीधे सीधे किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं, द सेकेंड कमिंग की, और आपको पता है द डायल में छपी थी। ठीक है, 1920 में। खैर, मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए, तो ये इनके मीनिंग से ही समझ में आ जा रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे 81 का सी। 82 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये हमने कितनी बार कहा है, कथा सरित सागर में जो बेस्ड है वो 82 का सी होगा। ठीक है, हयावदना, तुम्हें पता है इसमें थॉमस मन की द ट्रांसपोर्ट हेड हेड्स द ट्रांसपोज्ड हेड्स पे भी क्वेश्चन आता है, वो भी बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, लामिया तो कीट्स की है तो ये शैली हो नहीं सकता, ये सुपर नेचुरल वाली पोएम है। 84 जो है वो कोई भी बता सकता है, निगेटिव कैपेबिलिटी मेरी इस पे यूट्यूब आपने देखी होगी, निगेटिव कैपेबिलिटी पे। 85, हु रोट प्रेफेस टू द इंग्लिश वर्जन, ये आपको आराम से पता होगा, डब्ल्यू बी एच। ठीक है,
ट्रांसपोज द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक देन वी वेंट टू बेड. तो इसका जो है, अगर हम एसर्टिव बना देंगे, एसर्टिव ही बनता है इसका, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टिस, ये डी होगा, एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 10 वी वेंट टू बेड. ठीक है, ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं होगा, और ये तो वही चीज हो गई लगभग. 87, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम. देखो ऑटोबायोग्राफिकल पूरे हैं वो, ठीक है. अभी देखो ये भी, हिज स्टाइल वॉज कलर्ड बाई हिज रीडिंग ऑफ ओल्ड राइटर, ये भी सही था. उसमें ह्यूमर एंड पैथोज आता था, आपको याद होगा, यहाँ ये ह्यूमैनिटी कहते हैं. हिज डिसलाइक्स फॉर सोसाइटी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज एसे. तो अगर हम बहुत गौर से देखें तो इसको पैथोस को ह्यूमैनिटी से अगर इक्विवेलेंट मान भी लो, तो मुझे लगता है उसके ऐसे सोसाइटी के डिसलाइक को तो नहीं करते हैं कि सोसाइटी से वो डिसलाइक करता हो, ठीक है. तो मैं तो इसमें जाऊंगा कि ये वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती है, और बाकी चीजें तो हैं उसके में, ठीक है. लेट्स सी कि उसमें क्या आता है. मैंने पहले भी कहा कि 4-5 क्वेश्चन का हमेशा स्कोप होता है. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, ये काफी इजी है. अगर इसको कंपाउंड में बनाएंगे आप, तो आपका ये बनेगा कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, सीधे सीधे. अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी नहीं समझाई जा सकती, और ना आपके पास इतना टाइम है किसी के पास जो इसे समझे, तो हम सीधे सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, और वो फिर हम जो है देख सकते हैं. इन विच ऑफ द गिवन प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज दिस लाइन अकर. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और काफी इजी है, ये भी सीधे सीधे फैक्ट वाली बेस क्वेश्चन है. ये बेसिकली 89 का बी होगा, मैकबेथ में है ये, और ये डंकन स्पीक करता है, स्पोकन बाय डंकन, ठीक है. और डंकन ये अपने सन मेलकॉम से बोल रहा होता है, टू मेलकॉम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्ट्रॉपी. तो ये है सी वाला, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर योर चार्म्स, ठीक है. और 91 में आ जाते हैं, खत्म होने वाला है. आई नो द वॉइस इज डाइंग विद अ डाइंग फॉल बीनीथ अ म्यूजिक फ्रॉम ए फार्दर रूम, सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम. मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि अगर आई है, और आई है, और मैंने बच्चों को ट्रिक भी बताई थी, तो 100% किसका होगा, द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड टोफो, ठीक है. मोनोलॉग है, तुम्हें पता ही है. इट कंप्राइजेज राइम डेका सिलेबल्स नियरली ऑलवेज. बहुत आसान चीज, बड़ा घुमा के पूछी गई है. हीरोइक कपलेट है ये, सोनेट होता नहीं, ओड होता नहीं, बैलेड होता नहीं. राइम डेका सिलेबिक वही आयम्बिक पेंटामीटर के जो है, 5 मीटर हो गए तो 10 तो सिलेबल हो गए, और दोनों राइम कर रही है तो हीरोइक कपलेट, ठीक है. 93 पे आते हैं, बी इसका बी होगा. द पर्दा नशीन जो है वो सरोजनी नायडू की है, और ये लिरिक है जो गोल्डन थ्रेशोल्ड में छपी थी, ठीक है, उससे ये लाइन है, ठीक है. उसके बाद 94, जॉन ड्राइडन हीरोइक ट्रेजेडी, ये तो जाने कितनी बार हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, और हमने हजारों बार ये डिस्कस किया अपने क्वेश्चंस में. और 95 में ये आई वॉज द फर्स्ट टू हियर द न्यूज, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है तो सीधे सीधे हम हु इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें, ठीक है, एडजेक्टिव बना डालो भाई. तो 95 का ये बन जाएगा ए, आई वॉज द फर्स्ट टू हर्ड द न्यूज. उसके बाद 96, डब्ल्यू बी एट्स वॉज इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग, ये तो आपको पता ही है, केल्टिक रेनेसा, पूरा एबे थिएटर बनाना, आयरिश कल्चर को प्रमोट करना. 97 जो इस फ्रेज के लिए, ये थोड़ा ट्रिकी जरूर है, इसमें भी लोगों के दो ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ माउंट बैंक कह सकते हैं, बट आई विल गो फॉर ट्रिकस्टर, ठीक है. और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, 98 क्वेश्चन है. इसमें कौन से अमेरिका से नहीं है, जेन ऑस्टन, ठीक है, बाकी सब अमेरिकन. उसके बाद 99 में आते हैं, एक इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग एन इमेजिनरी ऑडियंस. अगर तुम देखो लिरिक है नहीं, ड्रामेटिक लिरिक है नहीं, एक ही जो सीधे सीधे आपको ले जाता है, और वह ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है. अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये आप सीधे सीधे बर्चेस की बात करेंगे, ठीक है. और इस तरीके से आपका पूरा पेपर हो गया, ठीक है. अब दो सवाल ये आता है कि इस पेपर में क्या मैरिट जाएगी और क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ये जो लास्ट के आप इंग्लिश का देख रहे हैं, सेक्शन 51 से 100,
इस 50 में से जो है 45 से 46 नंबर जिसने जरा सा ढंग से पढ़ा है वो आराम से ले आएगा, 45 to 6, 46। अब ऊपर वाले में अगर हम मरे दर्जे के पेडागोजी में अगर हम 10 सही माने, रीजनिंग में 3 सही माने, जीके में 5 सही माने, या कुछ इस तरीके से 15, 3, 18 या 20 का स्कोर तब भी आ जाएगा। तो 45 प्लस 20 अगर मैं मानू 5, 4, 2, 6, तो मेरे दोस्त जो 65 से 68 या 70 इसके बीच इसमें है वो उसका सिलेक्शन 100% हो रहा है, मेरिट इसमें लेस जानी है, ठीक है। और ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो जनरल है, और जो SC ST कैटेगरी है उसका सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ 55 से 60 में हो रहा है, 50, 55, 60 इसके बीच में हो रहा है कैटेगरी वालों का। तो 65, 68, 70 में है, यानी कि अगर मेरिट ऊपर 70 से जाती है नीचे 65 तक गिरेगी, और अगर मैक्सिमम गई तो 75 से ऊपर नहीं जाएगी, 75 से गिरती है तो भी वो 65 तक आएगी आएगी, ठीक है। इसलिए ये मान लो कि देखिए आप, मैंने जब भी मेरिट के बारे में कुछ किया, चाहे यूसेट ले लो मैंने किया था अपना, उससे पहले भी तो मेरे आसपास ही ठहरी हमेशा, तो मुझे 100% लगता है कि इसमें मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 70 जो है वो तो अंदर आ ही रहा है पक्का, 68, 70 वाला तो पक्का अंदर आ रहा है, ठीक है। जिसने डर के मारे ये निशान मान लिया 60 हुए थे उसके, और 60, 65, और उसने डर के मारे निगेटिव मार दिए कि अरे कम हुआ है, तो उसको भुगतना पड़ सकता है। मैंने कहा था निगेटिव मत मारना, ठीक है। SC ST वाले अगर 55, 50, 55 सही करके आए हैं, और रिजर्वेशन वाले, और उन्होंने निगेटिव नहीं मारे हैं, तो वो अभी भी होप रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इम्बैलेंस पेपर था, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट 100% लो जानी है, तो आप इसमें चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि बेसिक बात यह है कि जो हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है और रिजल्ट अच्छा आएगा, होप फॉर गुड। और अब जो लेक्चरर का आना है उसके लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी आप जो है एक रवा है और पढ़ाई में वो है, आप 2-4 दिन रेस्ट कीजिए और फिर आप पढ़ाई में जुटिए। तब तक मैं भी लेक्चरर के कोर्स और उसको अनाउंस कर रहा हूँ, और जिसको लेना होगा एडमिशन ले सकता है। और यहाँ ग्रामर लेक्चर में ग्रामर बेस बहुत है पूरा सेक्शन, और रीजनिंग, और ये स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी है सारी, सब लोग जानते हैं कि रीजनिंग के सर और GK के सर और पेडागोजी और सबने कितनी मेहनत की है। तो वहाँ हिंदी में खुद लेता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो ये कितना एक बहुत बढ़िया आपको मिलेगा एक्सपोजर, और बहुत अच्छी आपके साथ ड्रिलिंग होगी, मोटिवेशनल काउंसलिंग सेशन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको जल्दी ही वो करेंगे। तब तक आपके सामने मैं ये तो ले आया हूँ पेपर का सॉल्यूशन, और इसमें जो भी कमी बेसी होगी वो आप देख लीजिएगा, बट ये लगभग 98, 99% ये ऐसा ही होना है, और ये मोस्ट एप्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं। मैंने अपना वादा निभाया और लेके आ गया हूँ सारा सॉल्यूशन, थैंक यू। अब आप जो है मेरी नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा, थोड़े दिन रिलैक्स हो जाइए और ज़्यादा सोचना मत, एंजॉय कीजिए, बहुत थका दिमाग अभी, उसको रिनोवेट कीजिए। ओके, सी यू, हैव ए नाइस डे।